કચ્છ જિલ્લાના અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સમીક્ષા માટે કેન્દ્રથી આવેલી ટીમે સરહદી વિસ્તારના લખપત તાલુકાના માતાના મઢ તેમજ નખત્રાણા અબડાસાની મુલાકાત લઈ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કેન્દ્રથી આવેલી ટીમ સમક્ષ ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમન જાડેજાએ અછતની સ્થિતિ અંગેનો ચિતા રજૂ કર્યો હતો, જ્યારે સ્થાનિક રહીશોએ ઘાસચારા અને પાણીની તંગી તેમજ રોજગારીના મુદ્દે કેન્દ્રની ટીમ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. और ये पानी खत्म हो गया, बाद में डिमांड करने के हम हर मीटिंग में बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते सब अधिकारी तीनों तालों में. और कोई झूठ कोई आक्षेप कोई ऐसी बात नहीं है मेरी, जो बात है हकीकत है. और ये डैम आप देख, आज डैम बताए वो डैम में पानी, आप दूसरा डैम देखो बिल्कुल पानी नहीं है, इसमें पशु मरा हुआ ऐसा पानी हम किया है सर, बहुत परिस्थिति खराब है. कोई आक्षेप कोई अधिकारी का विरोध ऐसी बात नहीं है. अरे सब मीटिंग में मेरा दिया हुआ आपको चार महीने से मैं आपको पूरा दे रहा हूँ. और इसमें से क्या है, ये जो पशु लोग हैं इसके पास पचास पशु है, लेकिन ये ऐसा है एक ही कार्ड मिलता है, पचास पशु को एक ही घास मिलेगा सर, जब भी आएगा पचास में सौ तो एक ही मिलेगा. वो भी साहब बीस दिन में पंद्रह दिन महीना महीना निकल जाता है, बहुत परिस्थिति खराब है. और आपने बोला कि जब भी बारिश होती है तभी क्या जंगल विस्तार है हमारा, और पशुपालक ही है बॉर्डर विस्तार है बिल्कुल. इधर से हमारा 50 किलोमीटर पे अपना हिंदुस्तान का पिलर 175 नंबर का आ जाता है, बिल्कुल खराब परिस्थिति. इधर से हिजरत इतना लोग हो गया, मालदारी का पशु मर रहे हैं, कम से कम 10,000 पशु मर गए, हम आपको दिखा रहे पूरा बिल्कुल झूठ, हमको आक्षेप नहीं कर रहे हैं सर. बहुत परिस्थिति हो थानी को रोजी रोटी नहीं मिलते को कंपनी वाला पानी ने अत्यारे घास का धोने को हो जाए, और स्वरोजगार का काम है वो भी अभी 100 था 150 अभी बढ़ा है, लेकिन अभी कोई कोई गांव में चालू नहीं हुआ, बहुत बेदरदारी. और प्रशांत साहब और कोई ध्यान नहीं देते बिल्कुल, आप साहब आए बहुत अच्छे हो, धन्यवाद है. हमारे माता जी के हम जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल झूठ बोलने वाला नहीं है बिल्कुल, बहुत परिस्थिति एकदम खराब है. और कोई हमारा का कमाने का कोई साधन नहीं है, पशुपालक और खेती हुई नहीं है साहब.